आज हम बनाएंगे टमाटर की पूरियां और आलू की तड़ी वाली सब्जी, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो फिर देर की स्वाद की, चलिए शुरू करते हैं टमाटर की पूरी और आलू की तड़ी वाली सब्जी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आइडियल किचन में। सबसे पहले हम टमाटर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिया है, जिसका हमें प्यूरी बना लेना है। तो अब हम एक जार लेंगे और उसमें रफली चॉप करके टमाटर डाल देंगे और उसका प्यूरी बना लेंगे। तो बस हमारी प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखकर प्यूरी को स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में 500 ग्राम के करीब आटा लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल यूज किया है और इसे बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और आटा को गूंद लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जैसा हम पूरी का आटा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से हम आटा लगा लेंगे। तो बस हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट करेगा, तब तक हम आलू की तड़ी वाली सब्जी रेडी कर लेते हैं। आलू की तड़ी वाली सब्जी बनाने के लिए हम जो मसाला ले रहे हैं वो है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और जो हमें ज़्यादा डालना है वो है धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर डालना है। और हम खड़े मसालों में ले रहे हैं 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 काली इलायची, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसके साथ ही हम ले रहे हैं 1 चम्मच बेसन और 1 बॉल लेंगे और अपना बेसन और सारे सूखे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू की सब्जी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू। मैंने यहाँ पर बॉयल किया हुआ 7 से 8 आलू लिया है, 1 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने रफली चॉप करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो बस हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई को हीट करेंगे और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही हमारी ऑयल हीट हो जाएगी तो इसमें हम अपना सारा खड़ा मसाला डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब हमारे मसाले चटकने लगेंगे तो इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और अपना मसाला और लगभग मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद जब हमारे मसाले कुछ इस तरह से तेल छोड़ने लगेंगे, इसका मतलब है हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम अपना बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे हाथों से मैश कर कर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, जो कि आपको दिखाना भूल गई। अब हम सब्जी में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही हमारी सब्जी उबलने लगेगी, इसमें धनिया के पत्ते, कसूरी मेथी डाल देंगे और बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो बस हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम वापस से एक बार डो को गूंद लेते हैं और हम इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल लेते हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी गोल पूरी बेल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी पूरियाँ बेल लेंगे। अब हम अपने कढ़ाई में ऑयल को हीट करेंगे और जैसे ही हमारी ऑयल हीट हो जाएगी तो इसमें एक एक कर कर पूड़ियाँ डालेंगे और इसे तल लेंगे। तो हमारी टमाटर की पूरी और आलू की तड़ी वाली सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और यकीन मानिए ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।